हेलो मित्रों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। इस समय हम महाकाल की नगरी उज्जैन में हैं और चल रहे हैं श्री काल भैरव के दर्शन के लिए। मान्यता है कि काल भैरव जी को मदिरा का प्रसाद चढ़ाया जाता है, तो इस वीडियो में हम आपको बताएंगे काल भैरव मंदिर के रहस्य के विषय में, उनके मदिरा पान के विषय में। तो आप सभी वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक एवं शेयर करें, और चैनल पर यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे आगे आने वाली वीडियोस प्राप्त होती रहें। आइए हमारे साथ करिए श्री काल भैरव दर्शन। जय काल भैरव की। ये जो वाइन शॉप आप देख रहे हैं, ये काल भैरव मंदिर के जस्ट सामने स्थित है, और यहीं प्रांगण में बहुत सारी दुकानें हैं जहां पर देसी विदेशी मदिरा उपलब्ध रहती है। भक्तगण यहीं से क्रय करते हैं और यहां लगभग सभी ब्रांड की मदिरा उपलब्ध रहती है, वो मिल जाती है। बस रेट थोड़ा सा महंगा रहता है मार्केट से। और कहते हैं कि काल भैरव को देसी मदिरा का जो है पान कराना चाहिए, वहाँ चढ़ाना चाहिए, लेकिन लोग अपनी श्रद्धा अनुसार जो उनको प्रसाद में लेना होता है वो मदिरा काल भैरव को चढ़ाते हैं। तो आइए अब हम काल भैरव मंदिर के विषय में कुछ रोचक बातों को आपको हम बता देते हैं, कुछ रहस्य हैं उनसे अवगत करा देते हैं। काल भैरव मंदिर उज्जैन का एक प्रसिद्ध मंदिर है। कहते हैं कि अगर आप उज्जैन आएँ और महाकाल के दर्शन करें और काल भैरव के दर्शन ना करें तो महाकाल के दर्शन का आधा ही लाभ मिलता है। इसलिए सभी भक्तगण महाकाल के दर्शन के उपरांत काल भैरव के दर्शन के लिए अवश्य आते हैं। काल भैरव मंदिर महाकाल मंदिर से लगभग 5 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। ये दुनिया का एकमात्र ऐसा मंदिर है जहां पर भगवान भैरवनाथ पर मदिरा का चढ़ावा चढ़ाया जाता है। उज्जैन के भैरवगढ़ क्षेत्र में स्थापित इस मंदिर में शिव अपने भैरव स्वरूप में विराजते हैं। वैसे तो भगवान शिव का भैरव स्वरूप रौद्र और तमोगुण प्रधान रूप है, लेकिन काल भैरव अपने भक्त की करुण पुकार सुनकर उसकी सहायता के लिए दौड़े चले आते हैं। काल भैरव के इस मंदिर में मुख्य रूप से मदिरा का ही प्रसाद चढ़ाया जाता है। यहाँ पर देखिए स्क्रीन लगी हुई है जिससे गर्भगृह से सीधा प्रसारण होता रहता है, और देखिए कितनी बड़ी बैरिकेडिंग की गई है। चूँकि जब से महाकाल लोक बना है तब से उज्जैन में महाकाल के दर्शन के लिए लाखों श्रद्धालु रोज पहुँच रहे हैं, तो इसी कारण से काल भैरव के मंदिर में भी काफ़ी भीड़ रहती है। देखिए कितनी लंबी भीड़ लगी हुई है। और अब हम धीरे धीरे अंदर चल रहे हैं। ये उज्जैन की हमारी चौथी यात्रा है जिसमें हम महाकाल के दर्शन के उपरांत काल भैरव के दर्शन के लिए आए हुए हैं। आपको हम बता दें, इससे पूर्व जब हमने काल भैरव के दर्शन किए थे तो हमने अपने हाथ से प्लेट में मदिरा डालकर काल भैरव को पिलाई थी। वर्तमान समय में मंदिर के पुजारी भक्तों के द्वारा चढ़ाए गए प्रसाद को एक प्लेट में उड़ेल कर भगवान के मुख से लगा देते हैं, और देखते ही देखते भक्तों की आंखों के सामने ये प्रसाद भगवान काल भैरव पी जाते हैं। ये ऐसा चमत्कार है जिसे देखने के बाद भी विश्वास करना एक कठिन हो जाता है, क्योंकि मदिरा से भरी हुई प्लेट पल भर में खाली हो जाती है। इसके अतिरिक्त जब भी किसी भक्त को मुकदमे में विजय हासिल होती है तो बाबा के दरबार में आकर मावे के लड्डू का प्रसाद चढ़ाता है, तो वहीं किसी भक्त की सूनी गोद भर जाती है तो वह बाबा को बेसन के लड्डू और चूरमे का भोग लगाते हैं। प्रसाद चाहे कोई भी क्यों ना हो, बाबा के दरबार में आने वाला हर भक्त कोई ना कोई समस्या लेकर आता है, और बाबा काल भैरव अपने आशीर्वाद से उसके कष्टों को हर लेते हैं। जय बाबा काल भैरव की। जो सामने दीप स्तंभ आप देख रहे हैं, ये गर्भगृह के बिल्कुल सामने की तरफ है। जिन भक्तों की मनोकामना या मनोती जो होती है पूर्ण हो जाती है तो वह इन दीप स्तंभों को जलवाते हैं। काल भैरव के इस मंदिर में दिन में 2 बार आरती होती है, एक सुबह 8:30 बजे और दूसरी आरती रात में 8:30 बजे होती है। महाकाल की नगरी होने से भगवान काल भैरव को उज्जैन नगर का सेनापति भी कहा जाता है। मंदिर के प्रांगण में ही ये देखिए दत्तात्रेय जी का मंदिर है। जय भगवान दत्तात्रेय की। हम सभी लोग काल भैरव दर्शन के लिए लाइन में लगे हुए हैं, भीड़ काफ़ी ज़्यादा है, और धीरे धीरे सभी भक्त काल भैरव के दर्शन कर बाहर आ रहे हैं। प्रांगण में हवन कुंड भी है, अभी हम उसको दिखाएंगे। लोग यहाँ हवन इत्यादि कर्म करते हैं। काल भैरव के शत्रुनाश मनोकामना को लेकर कहा जाता है कि यहाँ मराठा काल में महादजी सिंधिया ने युद्ध में विजय के लिए भगवान को अपनी पगड़ी अर्पित की थी। उन्होंने भगवान से युद्ध में अपनी जीत की प्रार्थना की थी और कहा था कि युद्ध में विजयी होने के बाद वे मंदिर का जीर्णोद्धार करेंगे। काल भैरव की कृपा से महादजी सिंधिया युद्धों में विजय हासिल करते हुए चले गए।
उसके बाद उन्होंने मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया। तब से मराठा सरदारों की पगड़ी भगवान काल भैरव के शीश पर पहनाई जाती है। काल भैरव का चमत्कार जितना अचंभित करने वाला है, उतने ही उसके उज्जैन में बसने की कहानी भी। वैसे तो साल भर देश के कोने कोने से श्रद्धालु काल भैरव के दर्शन के लिए यहाँ आते हैं, लेकिन रविवार के दिन की पूजा का यहाँ विशेष महत्व होता है। जिस प्रकार सोमवार का दिन महाकाल का है, उसी प्रकार रविवार का दिन काल भैरव जी का माना जाता है। बाबा काल भैरव के भक्तों के लिए उज्जैन का भैरव मंदिर किसी धाम से कम नहीं है। सदियों पुराने इस मंदिर के बारे में कहा जाता है कि इसके दर्शन के बिना महाकाल की पूजा भी अधूरी मानी जाती है। गर्भगृह के बिल्कुल सामने ये स्थित है काल भैरव जी की सवारी, और सामने है काल भैरव का दिव्य मंदिर। आप सभी काल भैरव जी के दर्शन लाभ लीजिए। जय काल भैरव महाराज की। काल भैरव जी के दर्शन के उपरांत अब हम बाहर आ चुके हैं। काल भैरव जी को उज्जैन का कोतवाल कहा जाता है, और ये मान्यता प्रचलित है कि काल भैरव जी को उज्जैन की पहरेदारी करनी होती है, तो इसलिए उनको निद्रा ना आए तो उसके लिए इनको शराब का सेवन कराया जाता है। मित्रों, आप सभी से एक अपील, नेचर को क्लीन एवं ग्रीन बनाए रखने में मदद करें, सिंगल यूज प्लास्टिक का प्रयोग ना करें। शराब का सेवन स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, तो आप सभी शराब का सेवन ना करें। अघोरी जहां अपने इष्ट देव की आराधना के लिए साल भर काल भैरव की काला अष्टमी यानी भैरव अष्टमी की प्रतीक्षा करते हैं, वही सामान्य भक्त इस दिन उनका दर्शन कर सर झुकाकर आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। मार्गशीर्ष यानी अगहन मास के कर्ण पक्ष की अष्टमी को काल भैरव अष्टमी कहते हैं, क्योंकि इस दिन काल भैरव का जन्म हुआ था। जय काल भैरव की। मित्रों, आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में अवश्य बताइएगा। यदि कोई सुझाव है तो उसे भी अवगत कराइएगा। वीडियो यदि पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक एवं शेयर करें, और चैनल पर यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे भविष्य में आने वाली वीडियोस आपको प्राप्त होती रहें। मित्रों, इस समय हम महाकाल के दर्शन के लिए उज्जैन आए हुए हैं, तो उज्जैन से संबंधित बहुत सारे वीडियो हमारे चैनल पर उपलब्ध हैं, तो यदि आप उनको देखना चाहते हैं तो उनका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहां जाकर के आप देख सकते हैं। साथ ही अभी आपको मध्य प्रदेश की यात्रा के बहुत से वीडियोस आपको प्राप्त होते रहेंगे, तो आप सभी चैनल से जुड़े रहें। तो मित्रों, इस वीडियो में यहीं तक, मिलते हैं हम आपसे यात्रा के अगले पड़ाव पर। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम, जय महाकाल, जय काल भैरव।